श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय आरंभ करें। अब सुनो श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद चौथा अध्याय, जिसमें महामुनि शुकदेव जी भागवत कथा प्रारंभ कराएं। सुन के प्रार्थना शुकदेव जी की, सौम्य स्वभाव सूत जी बोले, ये भक्ति भाव बढ़ाने वाले शुकदेव जी जो कुछ भी बोले। उत्तरानंदन राजा परीक्षित सुन के शुकदेव जी की वाणी, श्री चरणों में करके समर्पित बन गए एक सामान्य प्राणी। दृढ़ ममता उनकी हो गई शरीर ग्रस्त और राज में, क्षण भर में त्यागी थी ममता, रुचि न थी किसी समाज में। धर्मार्थ और काम छोड़कर सन्यासी बन गए परीक्षित, राजपाठ सौंपा बेटे को, मृत्यु समय जब हो गया निश्चित। सुनने को महिमा कृष्ण की, अपने श्रद्धा भाव जगाकर शुकदेव जी से लगे पूछने, श्री कृष्ण में लो लगाकर। बोले परीक्षित शुकदेव जी से, मैं आप परम पवित्र मुनिवर, जो कुछ अब तक कहा आपने सत्य उचित है एक एक अक्षर। श्री कृष्ण कथा का जो जो करते जा रहे हैं गान, त्यों त्यों फटता जा रहा है ये पर्दा रूपी अज्ञान। फिर भी मुनिवर एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरे मन में, अपनी माया को फैलाकर कैसी सृष्टि रची भगवान ने। मुनिवर मैंने सुन रखा है रहस्यमय सृष्टि की रचना, कभी कभी तो समझ न पाते समर्थ लोकपाल जैसे ब्रह्मा, कैसे करते जगत की रक्षा फिर कैसे करते संहार, किन शक्ति का आश्रय लेकर करते कुदरत से खिलवाड़, बच्चे बनाते जैसे घरों दे प्रभु, ब्राह्मणों को कैसे बनाते फिर कैसे बात ही बात में, अपने हाथों से उसे मिटाते। मन की बात कहूँ मैं मुनिवर, बड़ी अद्भुत लीला हरि की, बड़ा कठिन है रहस्य समझना बड़े बड़े विद्वानों को भी। श्री भगवान है एक अकेले फिर भी निभाते मानव धर्म, धारण करते विभिन्न गुणों को करने को कल्याण कर्म। वे ब्रह्मत्व हैं दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं आप मुनिवर, क्यों करते कैसे करते प्रभु कारण बतलाएं आप मुनिवर। परीक्षित की सुन के प्रार्थना श्री कृष्ण का कर सुमिरन, अपने मुख से शुकदेव जी ने प्रारंभ किए अपने वचन। पुरुषोत्तम भगवान चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम, सतरज तम गुण धारण कर करें उत्पत्ति पालन संहार, भिन्न भिन्न विरूप धरे फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश, अंतर्यामी हृदय विराजे जिनको जाने बुद्धि विशेष। स्वयं अनंत महिमा अनंत बार बार करते नमस्कार, दुख मिटा के सतपुरुषों का करते प्रेम दान करतार। पक्षपात ना करते भगवान
दुष्टों को भी करते मुक्ति वे परमहंस आश्रम जो स्थित उन्हें दान करे वस्तु अभिष्ट वे बड़े ही भक्त वत्सल हैं प्रभु जी उनके सामने सब शीहीन उनकी छाया ना छू सकते जो करते साधन भक्तिहीन ऐश्वर्य से मुक्त प्रभु जी करते विहार वे अपने धाम उन भगवान श्री कृष्ण को करता बार बार मैं प्रणाम पाप नष्ट कर देता जिनका दर्शन श्रवण और पूजन पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण को करूं मैं बार बार नमन आसक्ति निकाल अपने हृदय से जिनके चरण किले के शरण ऐसे कीर्त वाले प्रभु को करता बार बार मैं नमन दानी तपस्वी और मनस्वी जब तक ना करते हैं अर्पण साधना और अपने आप को सम्मुख श्री कृष्ण के चरण ऐसे यशस्वी सदाचारी का तब तक नहीं हो सके कल्याण समर्पण की ऐसी महिमा उन्हें करता हूँ दंडवत प्रणाम किरात हूँ पुलिंद खस और पुलकस आभीर कंक भवन हो पवित्र ये सारी जाति ले शरणागत भक्त शरण कल्याणकारी है श्री हरि की और है वो सर्वशक्तिमान उनके चरण कमलों में मैं करता बार बार हूँ प्रणाम ज्ञानियों की आत्मा भगवन है कर्म कांडी को वेद मूरत अपने भक्तों के हैं स्वामी धार्मिकों को धर्म की मूरत तपस्वियों के तप स्वरूप हैं भगवानों के भी भगवन ब्रह्मा शंकर जैसे देव भी शुद्ध हृदय से करते चिंतन कर में विनती श्री हरि से अपनी सुंदर छवि को दर्शा मेरे हृदय को निर्मल करने मुझ पे करे अनुग्रह वर्षा यज्ञों के भोक्ता फलदाता समस्त लोकों के पालन करता संपत्ति स्वामिनी लक्ष्मी पति अंधक वृष्टि यदु रक्षा करता अंतर्यामी पृथ्वी के स्वामी दया पाए तो धन्य हो जाए हे त्रिलोकी हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाए विद्वान जिन चरणों में करते आत्तत्व का साक्षात्कार उनके दर्शन के अनंतर स्वरूप वर्णन मति अनुसार जो प्रेम लुटाए दोनों हाथ से उसको मुक्त करे भगवान अहो भाग्य मेरे हो जो मुझ पे प्रसन्न हो श्री कृष्ण सृष्टि समय ब्रह्मा के हृदय पूर्व कथ की स्मृति जगाने प्रेरित किया श्री हरि ने देवी को उन्हें ज्ञान दिलाने फिर प्रकट हुई वो अंगों सहित उनके मुख से वेद के रूप में ज्ञान के मूल कारण श्री हरि वो प्रकट मेरे भी हृदय में निर्माण करें वो पंच तत्व से जीवन रूप में करते शयन पांच ज्ञानेन्द्री पांच कर्मेन्द्री पांच प्राण और एक है मन करते संत जिस मुख झरती ज्ञानमयी सुधा का पान वास्तव अवतार व्यास को मेरा बार बार प्रणाम शुकदेव
बोले जब नारद ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कही वही बात जो भगवान ने ब्रह्मा बताई। अब मैं बताऊं सुनो वो बात। भक्तों द्वितीय स्कंध चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।